request our Honorable Chairman, Professor Dr. Mukarra Babbar, to present a thanks note. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Professor Dr. Sir Plasma, former Director, Area Study Center, DS Police and DS Force, Assalamu alaikum. First of all, I would like to thank Professor Dr. Sir Plasma that he spared some time for the students of Department of Political Science, and he enlightened us about the issues of governance and particularly how Pakistan's problem of governance is prevailing in the society and how can we get rid of it. मुझे काफ़ी सारी बातें डॉक्टर साहब ने की, बड़ा लर्निंग का ज़ाहिर है मौका भी मिला, हमने खुद ही काफ़ी कुछ सीखा. एक एक जो बड़ा इशू है खास तौर पे जो मैं समझता हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस या वैसे ही माशरे के फर्क के तौर पे, कि हमारे पास जब वो किसी साइकोलॉजिस्ट ने कहा था, मुझे उसका नाम याद नहीं, कि उसने कहा कि आप बच्चे को ना 5 साल तक मारे नहीं, कि अगर आप उसको मार के कोई काम करवाएंगे तो उसकी शख्सियत पर बुरा असर पड़ेगा. और आगे उसने लिखा था कि 5 साल के बाद मारने का फायदा कोई नहीं, उसकी जो शख्सियत बननी थी वो बन गई है, तो इसलिए कोई फायदा नहीं है. तो हमारे पास जो बच्चे आते हैं सर, वो ज़ाहिर है जब बीएस में आते हैं तो ऑलरेडी मैट्रिक एफएससी करके, वो जो आपने जिस प्रॉब्लम की तरफ इशारा किया क्रैमिंग, मतलब आई हैव सीन स्टूडेंट्स हु गॉट 1000+ मार्क्स, और जब उनसे कहा जाता है कि आप ये एप्लीकेशन तो एक तरह लिखें, तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, दे आर अनएबल टू राइट एन एप्लीकेशन. इंग्लिश में उनके 150 में से 150 मार्क्स होंगे, लेकिन आप उनको एक अनजानी किस्म की एप्लीकेशन लिखने का कहेंगे तो बड़े परेशान हो जाएंगे कि क्या लिखें. तो वो मैं बात अवकात कहता हूँ कि चर्चिल भी परेशान होता होगा यार, कि अगर मैंने भी पर्चा दिया होता तो 150 में से 150 इंग्लिश में मेरे भी नंबर ना आते. तो दिस इज अनफॉर्चुनेट, आवर सिस्टम, हमारा सिस्टम इस तरह का है. तो जो स्टूडेंट ज़ाहिर है उस सिस्टम से होकर आते हैं तो इस स्टेज पर पहुँचते पहुँचते उन्हीं चीज़ों के आदि हो जाते हैं. फिर ज़ाहिर है वो आपने सही फरमाया कि ना सिर्फ किताबों की तरफ नहीं जाते, किताबें नहीं पढ़ते हैं, लाइब्रेरियाँ वीरान होती हैं, अगर आबाद होती भी हैं तो किसी और पर्पज़ के लिए आबाद होती हैं, और जो है वो उनका होता है कि इस स्टेज पे भी आप कोई नोट दे दें बस, जिसमें अली मनार और बेबकरी लिखा हो, और हम बस कर ढूंढते वैली मनार और बेबकरी जो है वो याद करते रहें, और बस अली मनार बेबकरी लेकर मास्टर्स और PhD कर दें. और फिर अनफॉर्चुनेट है जब इंटरव्यू देने लेक्चरशिप का जाए और पूछा जाए कि फाइन पॉलिटिकल साइंस, और हम ऐसे हैरान होकर पूछ रहे हैं इस तरह कोई ऐसी एटम बम बनाने का फार्मूला पूछ लिया गया, मैं तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ के आया था. अभी कल इंटरव्यू हुए तो किसी ने पूछा जी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्फेडरेशन एंड फेडरेशन, PhD स्टूडेंट्स थे, PhD कर चुके थे, एंड दे डजंट नो, दे डोंट नो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, जो बेसिक क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस का या पाकिस्तान स्टडीज का. बहरहाल तो सर थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन, डिपार्टमेंट के बिहाफ पे मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, यूनिवर्सिटी के बिहाफ पे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने टाइम स्पेयर किया और आपने खास तौर पे उन पॉइंट्स के ऊपर एम्फसाइज किया जिन पॉइंट्स के ऊपर बोलना हमारे यहाँ जरा मुश्किल समझा जाता है, खास तौर पर पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन में. और इस दुआ के साथ कि हम तमाम जो हैं वो अपने अपने तौर पर जहाँ जहाँ पर हम मौजूद हैं, बहैसियत उस्ताद, बहैसियत तालब इलम, बहैसियत माशरे के फर्द के, क्योंकि हम सब के लिए ये पाकिस्तान है, तो हम जो जो कंट्रीब्यूट कर सकें पाकिस्तान में गवर्नेंस के मसले को हल करने के लिए, अपने लोकल लेवल पर अपने छोटे छोटे इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए हम खुद अगर कुछ कर सकें तो हम उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे. दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो. पाकिस्तान जिंदाबाद. थैंक यू. This is end of our seminar. Thank you so much, sir.